हे अस्सलाम वालेकुम माय ऑल ब्यूटी फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो मैं आई हूं एक न्यू वीडियो के साथ। वेलकम बैक टू अदर वीडियोस। वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपना बर्थडे व्लॉग पार्ट टू, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने एंड तक जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना व्यूअर्स। तो सबसे पहले मैं आपको पिंक और वाइट कलर का जो है एक चीज़ दिखा रही थी, वो काफ़ी अच्छी रोली कैंडी टाइप है, तो वो बहुत अच्छी थी पिंक कलर में, तो इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ऊपर से ये डेकोरेशन स्टार्ट हुई है व्यूअर्स, जो कि मेरी गैर मौजूदगी में मतलब बन रही थी और मेरी कैमरा यूज़ किया जा रहा था। अभी तो मैंने एडिट कर लिया, मुझे देख लिया, इवन के बर्थडे भी हो चुकी है इस वजह से तो मैंने ही एडिट किया, तो वो सारा सरप्राइज़ तो मेरे लिए था, लेकिन अभी मैंने खुद एडिट की है तो इसलिए मैंने कहा ये वाला ऐड कर लेती हूँ कि किस तरह से उन्होंने कौन कौन से स्टेप किए, सारा कुछ किया। सबसे मल्टी कलर के ये जो कपड़े लगाए गए थे, मतलब दुपट्टे टाइप कुछ इस तरह से इनको हैंग किया गया था, ऊपर से बलून्स वगैरह लगाए गए और फिर बलून्स का फ्लावर्स बनाया गया, और फिर बच्चे कुछ इस तरह से शर्टें कर रहे थे साथ, बार बार कोई कह रहा था मेरा बलून है, कोई कह रहा था ये मेरा बलून है, ये मैंने कलर लेना है, वो कलर लेना है। तो पिंकी पिंकी था, तो पिंकी बिल्कुल डेकोरेशन करना सूटेबल नहीं था लग रहा, इसलिए अंदर से कुछ मल्टी कर लिए ताकि बहुत अच्छी लगे। इस तरह से उन्होंने किया, उन्होंने सारा कुछ सोच के मतलब किया है। तो आप ही ने, और मैंने आपको बताया कैमरा गर्ल कज़न हो, इस दौरान सायरा को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिस किया, सायरा से आइडिया वगैरह लिया, मिल के सारा कुछ किया। तो यहाँ पे देखें व्यूअर्स, आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कुकिंग, जो कि स्पेशल पोटैटो राइस बन रहे हैं मेरे फेवरेट, और वो भी आप ही के अंडर। तो इसके बाद इन्होंने ये हैप्पी बर्थडे वगैरह ये कम्प्लीट लिखा और साथ मेरा नाम भी लिखा वो भी, और आप ही ने भी साथ काफ़ी ज़्यादा किया और उन्हें आइडिया किया कि ग्लिटर लगा लेते हैं, इस तरह ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद वियर्स ये देखें, ऑलमोस्ट जो डेकोरेशन वो कंप्लीट हो गया, साइडों पे बलून्स लगाने रह गए हैं और फिल वक्त बस हो गया। तो सोफ़ा को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, ऊपर कोई कलरफुल कपड़ा या फिर पर्दा वगैरह मतलब कुछ इस तरह से, लेकिन बाद में कहा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद वियर्स ये तो बिल्कुल ही सरप्राइज था कि इसके साइडों पर थोड़ा सा कपड़ा लगाया, जो उसे इतना ज़्यादा मतलब चुंटे डाल के काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया गया, साइड से पिंक कलर का और अंदर वाइट का कंट्रास्ट, और जब केक रखते हैं तो और ज़्यादा अवेसम लगता है। ये सारा कुछ तो मैं देख चुकी थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं सरप्राइज़ मुझे मिल चुका था और जब मैंने एडिट किया तो फिर मैंने बहुत अच्छे से एडिट करने की कोशिश की, जो कि है मेरे फेवरेट पोटैटो राइस साथ लजीजा की, वो भी मेरी फेवरेट, और इसके बाद ये सैंडविचेस, ये भी फेवरेट है, और कोल्ड ड्रिंक वही है सरप्राइज़। तो आज मैंने फांटा को किया क्योंकि वो कलर डार्क था, मैंने कहा वो नहीं सही रहेगा, तो ये वाइट में है, पिंक और वाइट का कंट्रास्ट चल रहा है, तो इसलिए। तो अभी देखें हलीमा और फजर को, फजर भी तो इन्होंने अभी ड्रेसेस वगैरह चेंज करनी है, तो हमने कहा पहले ये वाला काम कंप्लीट करें, डेकोरेशन भी हो गई, तो अब पहले पेट पूजा फिर डेकोरेशन, और डेकोरेशन दिखाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ कटिंग वगैरह करेंगे इंशाल्लाह। आज हम थोड़ा पंजाबी स्टाइल में कर रहे हैं, अंदर वाली जो डेकोरेशन है वो सरप्राइज है मेरे लिए, इधर मुझे एंट्री नहीं मिली, तो उन्होंने कहा यहाँ पे आप करें ये डिनर इस वजह से। तो अभी ये देखना हमारा जो देसी स्टाइल था, और हलीमा हमेशा की तरह मेरी वीडियो में रो रही है। अभी मैं इसको जो कोल्ड ड्रिंक इसकी फेवरेट वाली जल्दी जल्दी से देती हूँ ताकि इसका मूड फ्रेश हो, तो मिलते हैं फिर डेकोरेशन। मेरे पास सब कुछ है पर अभी के लिए कुछ नहीं है, कैमरा मैन के लिए चाहता है। थैंक यू सो मच। अभी नहीं तो प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पे सब अपने अपना बोल रहे थे, कोई टीचर बोल रहा था, कोई सना बोल रहा था, कोई आप ही बोल रहा था। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सबका थैंक यू बोलने के बाद फिर मैंने कहा सब करीब आ जाएं तो हम कटिंग करते हैं और साथ शूट वगैरह करते हैं, तो इस वजह से सब बच्चे बहुत एक्साइटेड थे। तो कुछ को परमिशन थी, कुछ को नहीं थी परमिशन, तो उसके मुताबिक फिर मैंने किया, और छोटे जो तीन बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खुश हो, मैंने सारा कुछ देख लिया, सरप्राइज बहुत अच्छा, और सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से केक कटिंग करते हैं। उससे पहले मैं अपने मामू को बुलाती हूँ, तो आते हैं मामू से मिलते हैं। तो यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि फजर की और मेरी रिंग एक जैसी थी बटरफ्लाई वाली, तो बहुत ज्यादा खुश थी। वियर्स मामू आ गए, तो आई मामू। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, ये देखें यहाँ पे मामू आ गए, उन्होंने मुझे प्यार दिया, और केक भी उनकी तरफ से था बहुत ज्यादा यम्मी था, जो कि लग रहा है वियर्स। और इसके बाद हलीमा ने जो मेरी नाइफ है वो पकड़ लिया कटिंग के दौरान ही, उससे पहले हमने लाइट सारी ऑफ की, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, शाइनी लग रहा था और बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रहा था। तो फिर हमने जी थोड़ी देर के लिए लाइट्स ऑफ रखी, और जैसे मैंने कैंडल को कर लिया तो
तो देन मतलब विश भी उन्होंने कहा कि विश करो, मैंने कहा जी ठीक है। तो इसके दौरान ही फिर मैंने कैंडल को बुझाया, बुझाने के साथ ही वियर्स मेरी जो सीजर जो सीजर बोल रही हूँ सॉरी मेरी नाइफ है वो जी हलीमा ने पकड़े रखी और मुझे दे रही, फिर हमने मिलकर शेयर की और कुछ इस तरह से फिर दे दी उसने, काफ़ी अच्छा लगा। हमेशा मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता है और हलीमा फजर ने कोई ना कोई अंदर करना होता है प्रॉपर्स, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, हलीमा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और फिर मेरे साथ हलीमा के भी बर्थडे होगी वियर्स, क्योंकि हमने मिलकर कटिंग की थी। और यहाँ पे देखे वियर्स मैं अपने ही नाम की स्पेलिंग काट रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल सही थी जो मुझे लगा कि यहाँ पर जल्दी जल्दी करनी चाहिए कटिंग, क्योंकि सब वेट कर रहे थे, सब एक्साइटेड थे, सब हैप्पी बर्थडे वगैरह बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और हर कोई मतलब अपनी मर्ज़ी का नाम ले रहा था। और इवन कि यहाँ पर हलीमा बहुत ज़्यादा खुश थी, एक्साइटेड थी, और यहाँ पे मतलब कुछ आवाज़ें ठीक थी, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा शोर था, लाउड था, इस वजह से तो मैंने ना स्किप कर दिया। तो लेकिन जो आवाज़ मुझे लगी है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ मैंने की है, तो सबसे पहले हलीमा को चॉकलेट केक नहीं पसंद, वियर्स उसे सिर्फ क्रीमी केक पसंद है, तो इस दौरान वो रोना शुरू होगी। तो फिर इसके बाद मैं फजर के साथ किया, मामों के साथ ही फिर इस तरह बच्चों के साथ शेयर करने के बाद आप ही और भाई के साथ किया, और हम उमर का अपनी फैमिली का मामा पापा लोगों का सबका बताती हूँ, सारा लोगों का वो नेक्स्ट आप वीडियोस देखना, एंड तक कभी देखना तो इंशाल्लाह आपको पता चलेगा वेयर्स। और मुझे मतलब उनको मिस भी कर रही थी, लेकिन इन्होंने जो सरप्राइज़ किया हुआ था, इतना कुछ किया हुआ था, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का बाइस था, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ वेयर्स। इस तरह तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, कुछ शरारतें कर रहे थे, कुछ बस लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वीयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुजरा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यहाँ पे देखिए वीयर्स, सब मुझे केक खिला रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं मैंने खिलाना है, मैंने इस तरह करना है, मैंने कहा ठीक है। तो मुझे अब पता नहीं है, मैंने सबको ही खिला दिया, सब ने मुझे भी खिलाया, कहते हैं कि हम सब खा रहे हैं लेकिन बर्थडे गर्ल को किसी ने खिलाया, तो इस वजह से सब मुझे फिर खिलाना शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा मज़ा आया वीयर्स। ये वाला हेयर स्टाइल बना के थोड़ा सा मेरा फेस जो है ना चेंज लगना शुरू हो गया था, लेकिन जो दूसरे वाले हेयर स्टाइल थे वो बिल्कुल सही है। मैंने आपके साथ पिक्चर्स वगैरह शेयर करूँगी, सारा कुछ शेयर करूँगी, आपने ज़रूर देखना है, उनको भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है वीयर्स। सब बहुत ज़्यादा खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। छोली खा ली है आप ही अपनी आगे से शर्ट सी कर। तो मैं पहली अपनी फैमिली मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है, बहुत ज्यादा थैंक यू इनका कि इतनी मेहनत से इतनी अच्छी डेकोरेशन की है। देखिए सारी डेकोरेशन, कुछ ब्लून्स वगैरह ले लिए, कुछ फाड़े हैं और काफी ज्यादा मजा किया है, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मैंने अपनी फैमिली को मिस किया है, लेकिन इन्होंने इतना ज़्यादा इंतजाम किया हुआ था, इतना ज़्यादा अच्छा लगा। आप ही ने, कैमरा गर्ल ने, मेरे कजन्स ने और छोटे ने साहब ने, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी ये देखिए मुझे प्यारे से छोटे छोटे से गिफ्ट रिसीव हुए हैं, और जो हलीमा फजर ने दिए बहुत प्यार से, तो हलीमा ने कहा वहाँ से लेना तो ले ले, मेरे गोदी में नहीं आना, अभी नहीं आ रही, क्योंकि उसने ब्लून के साथ खेलना था और फजर ने किया, और फजर ने आज मुझे इतने दिनों बाद बहुत प्यारे से किस दिया खुद, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वियर्स अभी मैं देखती हूँ कि केक कटिंग होगी, सब केक इंजॉय कर रहे हैं और मैं रेस्ट कर रही हूँ। और देखे वियर्स आज मेरे पाउंड की स्वेलिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह से आज मैं रिलैक्स होना चाह रही हूँ। दिल कर रहा है जल्दी जल्दी काम खत्म हो, बस पहले लेट जाऊँ, लेकिन अभी भी बड़े काम अधूरे हैं, बहुत ज़रा करना है। फैमिली आपने कहा होगा कि आज सिर्फ मामू आए और उमर नहीं आए, उमर काम के लिहाज से गए हुए हैं वियर्स, इस वजह से उन्होंने वैसे विश किया था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मुझे सुबह मैसेज वगैरह किए और काफ़ी सारी मेरी बात भी हुई, इस वजह से उनको मैंने मिस किया, क्योंकि लास्ट टाइम हमने दोनों मिलकर सेलिब्रेट किया, इस दफ़ा मेरे मामू को, और मामू ने इतने प्यार से आया और प्यार दिया, और फिर उन्होंने मेरे साथ केक कटिंग वगैरह करवाई, और हलीमा ने भी बहुत अच्छा किया। हलीमा का मूड मुझे पता नहीं, वो तो स्विंग होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, तो
इसलिए बहुत अच्छा लगा। तो सपना सारे लोगों को मैंने काफी मिस किया, मामा पापा को, क्योंकि उन्होंने जल्दी आना है। वो कहती है दोबारा सेलिब्रेशन वगैरह करेंगे, लेकिन ग्रैंड वाली आपको पता है कहाँ होती है, बहुत ज्यादा करेंगे क्योंकि अभी कुछ और भी पेंडिंग है, उसके साथ ही सारा कुछ मिलकर कर लेंगे। तो अभी भी उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं ड्रेस और जो पिंकी ब्लॉग है और जो पिंकी डेकोरेशन हो रही है, डेकोरेशन जो मिलकर कैमरा कर रहे हो मेरी आप ही की है, और जो डिनर था वो भी आपको पसंद आया होगा। केक आपने देखा है, केक पिघल भी गया था, ऊपर लिखा हुआ था HPD और साथ सुना तो मैंने अपना नाम खुद कर था। देखे मेरी बातों में सबको हंसी आ रही है, व्यूअर्स ऐसा होता है। और अभी कैमरा पर बिल्कुल थक चुकी है, उसका पाँव में इतनी पेन हो रही है, वो कह रही है बस डिनर पर दोबारा मैंने एक दफा केक इंजॉय करना और बटर पीनी और सोना। थैंक यू। आप भी सही कर देंगे सच्ची चीज़ शेयरिंग का। टीचर, टीचर, थैंक यू। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। आपने एंड तक देखा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।